हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं पंखा बंद करना भूल गया, सॉरी, बंद करके आता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पहली बारी में भी सही कहना था, जान के कंटेंट्स बनाए। वेल, काम की बात यह है कि आज जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है, उस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, बट क्योंकि ये ट्रेंडिंग है और यूट्यूब आपको एक ही चीज़ सिखाती है, टू फॉलो द ट्रेंड, तो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और इसी वजह से हम आज इस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप मेरी इन राय से बहुत अच्छे से जानते होंगे इन मेरी। वेल, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप मेरी इन सब बातों को जानते होंगे, बट अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। और अगर आपने फॉलो किया हुआ है तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वेल, बिफोर फर्दर डू, हम अपना आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। तो आज के हमारे रमज़ान स्पेशल सेगमेंट के अंदर, क्या फजूल में लंबा कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैमरे के ऊपर जो पैसे लगाए हैं, मैं वो सेल करके अपना आईफोन अपग्रेड कर लूँ, क्योंकि जो कलर भाईजान आईफोन के कैमरे से आता है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कैमरा इस कलर को कैप्चर कर सकता। तो सारे जो पैसे हैं ना, वो इस कलर के हैं भाईजान। इस कलर का जो मैं फ़ैन हो गया ना, मतलब ये चेक करो, ये बंदा खिड़की खोल के बैठे यहाँ पे, आ हा हा हा, आए हाय 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 हाय, क्या बात है जी आईफोन के कैमरों की। खैर, बीइंग एन एप्पल बॉय, आईफोन का तो मैं हमेशा से फ़ैन हूँ, बट हम अभी आईफोन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके लिए हमें अपने कैमरा और अपने माइक्रोफोन को वहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ बैठ के बात कर सकें। तो पहले हम कैमरा सेट कर लें, हम बातें तो उसके बाद भी कर सकते हैं। तो कैमरा सेट कर लें। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई डोंट नो मच अबाउट दिस इशू, बट फ्यू डेज बैक, शायद जहाँ तक मुझे पता है, एक टिकटॉकर ने अपनी वीडियो बनाई और कहा कि हम सब टिकटॉकर्स को यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। वेल, बीइंग अ कम्युनिटी, अगर बात की जाए तो टिकटॉक इज़ ऐप और टिकटॉक की एक कम्युनिटी है। जो टिकटॉक की कम्युनिटी है वो यूट्यूब की कम्युनिटी से टोटली डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ऐप डिफरेंट हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए टिकटॉक की, तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ 1 मिनट वीडियोस अपलोड करता है। वेल, अगर बात की जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग टर्म्स वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट्स की वीडियोज़, मोर देन 20 मिनट्स की वीडियोस होती हैं, वो अपलोड की जाती हैं। अगर बात की जाए टिकटॉकर्स के यूट्यूब पे आने की, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हर्ज या फिर इसके ऊपर कोई मजाक बनाने वाली बात है। वेल, एट फर्स्ट इसके ऊपर हम सारों ने मजाक बनाया, इंक्लूडिंग मी। वेल, बट जहाँ तक मैंने सोचा है, अगर देखा जाए तो दोनों कम्यूनिटीज़ हैं, और इफ़ दे बोथ कोलेबोरेट, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप हो आप वहाँ पे ही रहो। मैं हमेशा से, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, तो मैंने हमेशा से टिकटॉक को डिग्रेड किया, बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते आए हैं, तो मैंने टिकटॉक इट सेल्फ को डिग्रेड नहीं किया। मैंने हमेशा डिग्रेड उनको किया है जो इस कॉन्टेंट को ख़राब करते हैं, जो इसके कंटेंट को ख़राब करते हैं। जस्ट लाइक हर एक ऐप के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, और अगर हम बात की जाए सोशल मीडिया की, तो नो डाउट सोशल मीडिया इज़ अ गार्बेज, नो डाउट, क्योंकि इसके ऊपर जितनी चीज़ें अच्छी हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें बुरी हैं। बट क्योंकि जैसा है वैसा है, और हम इसको बदल नहीं सकते। और अगर बात की जाए टिकटॉक की, तो टिकटॉक इटसेल्फ ऐप इज़ नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर आप अपना, हमारी ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी और इंडियन वीडियोस छोड़ के देखें, तो टिकटॉक की जो वीडियोस हैं वो बहुत इंस्पायरिंग भी होती हैं। इवन आई माई सेल्फ वॉच सम ऑफ द वीडियोस जिसमें
मुझे बहुत सी इंस्पिरेशन मिली लाइक कि आई शुड मेक वीडियोज़ लाइक देम, बट मेरे ख्याल में कि मैं वैसी वीडियोज़ नहीं बना सकता। इवन इन आर पाकिस्तान, हमारे का कई पाकिस्तानी दोस्त हैं, हमारे कई पाकिस्तानी ऐसे भाई हैं जो ऐसे ज़बरदस्त प्रोमो वीडियोज़ बनाते हैं कि एक बार खुद बंदा मतलब फ़ैन हो जाता है कि यार इस बंदे ने क्या आखिर वीडियो बनाई, क्योंकि वो लोग अपना खुद मजाक बनाते हैं। और ऐसा ही कुछ अगर हम देखें तो यूट्यूब के ऊपर भी है, ऐसे ही कुछ अगर देखें तो हम फेसबुक के ऊपर भी है, ऐसे ही कुछ अगर हम देखें तो ट्विटर के ऊपर भी है। तो ऐप सारे ही मतलब एक जैसे ही हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टिकटॉक जो है वो ऐप बुरा नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि ऐप कोई भी बुरा नहीं है, बट जिस कम्युनिटी को आप फॉलो करते हैं आपको वो देखनी पड़ती है। आप अगर ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो ना नाच के खुद मजाक बना रहा है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट अगर आप किसी ऐसे लड़के को देख रहे हैं जो अपनी स्लोमो वीडियो से पूरी दुनिया को पागल कर रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारी आवाम को वही पसंद आता है जो अपना मजाक बनवाता है। जस्ट लाइक अगर आप नो डाउट कि अगर आप टिकटॉक पे कोई अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके व्यूज़ उस वीडियो से कम होंगे जो बंदा जाके कहीं पे नाच रहा होगा। ये कुछ कसूर हमारी कम्युनिटी का भी है, हमारी आवाम का है, बट हम आवाम को चेंज नहीं कर सकते, हम जितना चेंज करें अपने आप को चेंज कर सकते। बाकी अगर बात की जाए यूट्यूब की तो यूट्यूब जो है वो बहुत अपर क्लास है अगर देखा जाए तो। आप मेरे नहीं ख्याल में, मैं रॉन्ग हूँ, मे बी मैं गलत हूँ, बट अगर देखा जाए तो यूट्यूब कम्युनिटी हर बंदा नहीं देखता, यूट्यूब को हर बंदा नहीं देखता। अगर आप देखें तो यूट्यूब को हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर 50% लोग देख रहे हैं तो टिकटॉक को हमारे मुल्क के अंदर 80% लोग देखते हैं। वजह यह है कि वो छोटी वीडियोज़ हैं, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी स्वाइप करके मतलब जस्ट देख सकते हो वीडियोस, नॉट जस्ट लाइक यूट्यूब। यूट्यूब को खोल के आपको वो वीडियो सर्च करनी पड़ती हैं, आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं। मे बी मैं इस बात में रॉन्ग हूँ, बट यूट्यूब जो वीडियोस होती हैं वो हर बंदे के लिए नहीं होती। जस्ट लाइक उसमें जेंडर इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक उसमें एज इश्यूज होते हैं, और हर बंदा वो देखना पसंद भी नहीं करता। बट टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो आप कहीं पे भी बैठ के स्क्रॉल डाउन करके देख सकते। और जहाँ तक बात की जाए किसी के टिकटॉक पे आने की या फिर किसी के यूट्यूब पे आने की, तो हम इस राय को चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों ऐप हैं और ऐप सबके लिए बनती है, कोई भी किसी कम्युनिटी का नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप टिकटॉक पे भी आ सकते हैं। एंड आई माई सेल्फ मेड अ टिकटॉक अकाउंट, बट वो अलग बात है कि मैं वहाँ पर मुझे अपलोड नहीं करता, मैं वहाँ पे कुछ कंटेंट अपलोड करता हूँ जो सेम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बट द रीज़न इज़ मैं वहाँ पे एज अ स्टोरी वो अपलोड करता हूँ जस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। और मेरे ख्याल में अगर हम अपने कंटेंट को अच्छा लेके चलें तो ऐप कोई भी हो, ऐप मैटर नहीं करती। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें आपस में पीस रखना चाहिए। दोनों कम्युनिटीज़ हैं और दोनों अगर सही काम कर रही हैं तो दोनों अच्छी हैं। इसमें ना तो ऐप का कसूर है, इसमें कसूर इंसान के खुद का है कि वो क्या चीज़ अपलोड करता है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे ट्रेंड को फॉलो करना था, और अगर मैं इससे ज़्यादा बोला तो मुझे प्यास लगने लग जाएगी क्योंकि मेरा रोज़ा है। और इस व्लॉग के स्टार्ट में जो मैंने फ्रिज वाला शॉट बनाया है वो फेक था, जस्ट लाइक मैं फ्रिज से कुछ लेना नहीं चाह रहा था, मतलब मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।